गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एग्जाम ऑनलाइन क्लासेस। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू पोयम डैफोडिल्स। हियर वी सी देयर इज नो नंबर बिफोर दिस चैप्टर, दैट मीन इट्स अ पोयम, एंड वी विल सीन अ नंबर बिफोर द चैप्टर, इट्स अ लेसन। सो देयर इज नो नंबर बिफोर दिस टॉपिक और चैप्टर, इट्स अ पोयम डैफोडिल्स। दिस पोयम इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज अ ब्रिटिश पोएट हु वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्यूटी ऑफ नेचर। इन्होंने, ये एक ब्रिटिश पोएट है और इन्होंने अपना सारा फोकस ब्यूटी ऑफ नेचर यानी निसर्ग के सुंदरता की ओर ही किया है। इनके जो ज़्यादातर पोएम्स है वो निसर्ग की जो सुंदरता है वह दिखाने के लिए उन्होंने कविताएं लिखी है। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम डैफोडिल्स। डैफोडिल्स नाम के एक फ्लावर्स होते हैं जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। नाउ रीड दिस पोएम अबाउट हाउ पोएट फील्स इन द मिस्ट ऑफ नेचर। यह पोएम हम जब पढ़ेंगे तो हमें महसूस होगा कि पोएट इस नेचर के बीच में कैसा फील करता है। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वैल्स एंड हिल्स। वैल्स मीन्स वैलीज। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मैं तो एक बादल की तरह अकेला घूम रहा था, इधर उधर भटक रहा था, बादलों की तरह इधर उधर भटक रहा था। जैसे बादल इधर उधर भटकते हैं, जिधर एयर आती है उसी एयर के साइड में वो भटकना शुरू हो जाते हैं। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वैल्स एंड हिल्स। जिस तरह जो क्लाउड्स होते हैं वह ऊंची ऊंची पहाड़ियों के ऊपर भी वह इधर उधर भटकते रहते हैं, उसी तरह मैं भी उसी ऊंचाइयों पर उन्हीं के तरह इधर उधर अकेला ही भटक रहा था। वैल्स VALES, वैल्स मीन्स वैलीज, दो पहाड़ों के बीच जो जगह होती है, जो स्पेस होती है, जिसे हम खाई भी कहते हैं, उसे बोला जाता है वैलीज। When all at once I saw a crowd, here poet said that when all at once I saw a crowd, crowd यानि गर्दी, जहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, जमा हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, उसे हम crowd कहते हैं। When all at once I saw a crowd, जब मैंने बहुत सारी गर्दी देखी, बहुत सारे गर्दी देखी, लेकिन बट हियर क्राउड, हम क्राउड इस वर्ड का यूज़ इंसानों के लिए करते हैं, बट यहाँ पर जो क्राउड का जो शब्द है, यह जो वर्ड है यहाँ पर डैफोडिल्स फ्लावर्स के लिए यूज़ किया हुआ है। हियर पोएट पर्सोनिफाइड द डैफोडिल्स, यहाँ पर पोएट ने डैफोडिल्स को पर्सोनिफाइड किया है। ही यूज्ड हियर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच, यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ ने पर्सोनिफिकेशन इज फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया हुआ है। उन्होंने यहाँ पर कहा कि मैंने एक बार बहुत गर्दी देखी, अब वो गर्दी किस चीज़ की थी वो हम देखेंगे। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, मैंने तो गोल्डन डैफोडिल्स की बहुत सारी एक बार गर्दी देखी, झुंड देखा उनका। झुंड तो नहीं बोलेंगे, गर्दी ही बोलेंगे क्योंकि क्राउड का वर्ड यूज़ किया हुआ है और उसको साथ में उन्होंने पर्सोनिफाइड भी किया हुआ है डैफोडिल्स को। गोल्डन डैफोडिल्स,
सोने के जैसे पीले रंग के दिखने वाले डैफोडिल्स फ्लावर्स के उन्होंने उन्होंने गर्दी देखी, यानी बहुत ज़्यादा तादाद में उन्होंने वो फ्लावर्स के दर्शन किए या फिर उन्हें दिखाई दिए। दिस फ्लावर्स आर आल्सो सीन इन योर पेज नंबर 12, यहाँ पर भी पेज नंबर 12 में जो आपको येलोइश फ्लावर्स दिख रहे बहुत सारे, वही है डैफोडिल्स के फ्लावर्स। बीसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, बीनीथ मीन्स अंडर, बीसाइड द लेक लेक के बाजू में, बीनीथ द ट्रीज ट्रीज के नीचे में। तो ये जो फ्लावर्स थे डैफोडिल्स थे बहुत सारे जो फ्लावर्स उन्होंने एक लेक के बाजू में, एक तालाब के बाजू में और एक पेड़ के नीचे में देखा था, और जो कि बहुत ज़्यादा संख्याओं में थे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज, ब्रिज हल्की हवा चलती है जिससे हानि नहीं होती, कोई चीज़ टूटती नहीं लेकिन ईजिली हिलना शुरू हो जाती है, उसे बोला जाता है ब्रिज। फ्लटरिंग एंड डांसिंग, फ्लटरिंग मीन्स जब जो हमारे बर्ड्स होते हैं वो अपने पंखों को फ्लैप करते हैं, दे फ्लैप देयर विंग्स एंड क्रिएट अ साउंड, जब वो फ्लैप करते हैं तो उनके पंखों से कुछ आवाज़ें निकलती है, जब फड़फड़ाते हैं पंखों तो जो आवाज़ क्रिएट होता है उनके पंखों से उसे ही बोला जाता है फ्लटरिंग। एंड डांसिंग इन द ब्रिज, और डांसिंग अब ये बोला गया है कि डैफोडिल डांस कर रहे थे, जो ब्रिज आ रही थी, जो हवा आ रही थी हल्की हवा जिधर जिधर उन फूलों को ले जा रही थी उधर उधर वो फूल जा रहे थे, अपने हेड्स हिला रहे थे, यानी दैट मीन्स वो डांसिंग कर रहे हैं। यहाँ पर भी पर्सन ही फाइट किया हुआ है डैफोडिल्स को, क्योंकि जो डांसिंग जो वर्ड है एक्चुअली ये जो क्रिया है यह इंसान करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें एक नॉन ह्यूमन बीइंग कर रहा है ऐसा दिखाया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन इस फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन, जिस तरह कंटिन्यूअस एज द स्टार दैट शाइन, जब हम आसमान में स्टार देखते हैं, दिन में तो हमें स्टार दिखाई नहीं देते, जब हम रात के समय जब खुला आसमान होता है कोई बादल नहीं होते तब तो हमें कंटिन्यूअस स्टार्स दिखाई देते हैं, कंटिन्यूअस हम जिसको गिन नहीं सकते, एक के पीछे एक स्टार दिखाई देते, उसी तरह पोएट आल्सो सी द मेनी डैफोडिल्स फ्लावर्स बिसाइड द लेक एंड अंडर द ट्रीज, उसी तरह उन्होंने लेक के बाजू में और ट्रीज के अंडर में बहुत सारे फ्लावर देखे जस्ट लाइक स्टार्स। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, एंड ट्विंकल चमचमाना, और जिस तरह से हमारे स्टार्स चमकते हैं चमचमाते हैं आसमान में, उसी तरह ये फ्लावर्स भी बहुत ज़्यादा संख्या में थे, उसी तरह चमचमा भी रहे थे। दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन मीन्स, यानी जैसे हम स्टार्स को जब आसमान में देखते हैं स्काई में देखते हैं तो हमें ऐसा लगता ही नहीं कि वो ख़त्म हो रहे हैं, हमें जहाँ देखो वहाँ स्टार ही दिखाई देते हैं, उसी तरह फ्लावर्स भी डैफोडिल्स के फ्लावर्स भी बहुत सारे दिखाई दे रहे थे और वो ख़त्म ही नहीं हो रहे थे, जहाँ जहाँ नज़र विलियम वर्ड्स की जा रही थी वहाँ वहाँ पर बस फ्लावर्स एंड फ्लावर्स ही डैफोडिल्स के दिखाई दे रहे थे। अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ बे मीन्स किनारा, अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ बे एक किनारे से, मार्जिन छोटी सी जगह, हमारे नोटबुक में भी एक मार्जिन होती है, दैट मीन छोटा सा एक कॉलम बन जाता है अपने आप रेड लाइन के लेफ्ट साइड में, उतनी जगह छूट जाती है, तो ऐसी ही जगह में वो खड़े थे। 10,000 सा एट अ ग्लांस एक की नज़र में, जब वह एक छोटी सी जगह में खड़े थे तो उन्होंने एक ही नज़र में 10,000 सा एट अ ग्लांस, तो उन्होंने 10,000 से भी ज़्यादा या 10,000 अरे बहुत ज़्यादा संख्या हो जाती है फ्लावर्स की, तो इतने उन्होंने एक ही नज़र में इतने फ्लावर्स देख लिए। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली
dance, tossing their heads in sprightly dance. Sprightly means lively, जिंदा दिली, बहुत ही खुशी से, और tossing, toss यानी ऊपर नीचे अपने सर को करना, क्योंकि हवा आ रही थी और हवा के फोर्स के साथ में वो जो फ्लावर्स थे इधर उधर होते जा रहे थे, अपने जो हेड्स थे यानी अपने जो फ्लावर्स थे वो ऊपर नीचे हो रहे थे, उसी को बोला गया टॉसिंग. देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, बहुत ही जिंदा दिली से, बहुत ही लाइवली, जिंदा होकर, बिल्कुल अंदर से खुश होकर वह डैफोडिल्स के फ्लावर्स नाच रहे थे, कूद रहे थे. नेक्स्ट पेज. द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, द वेव्स बिसाइड देम डांस, बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली. ग्ली, GLEE, ग्ली मीन्स खुशी में, खुशी से. द वेव्स बिसाइड देम, अब वेव्स यहाँ पर कहाँ पर आई, कहाँ से आई? हमने समुद्र, हम सी में देख सकते हैं वेव्स को. जब बहुत ज़्यादा हवाएं चलती है तो कुछ पानी का पोर्शन ऊपर नीचे हो जाता है, उसी हम जिसे मराठी में लाट बोलते हैं, वही है वेव्स. तो यहाँ पर जो डैफोडिल्स के फ्लावर्स थे वो एक लेक के बाजू में थे, हवा चल रही थी इसलिए लेक का भी पानी उछल रहा था, एक वेव वहाँ पर बन रही थी. लेकिन वह वेव भी एक डांस कर रही थी. एक्चुअली वेव्स को भी यहाँ पर डांस कर, एक जो वेव्स बनी थी उसे भी यहाँ पर बता रहा है कि बताया गया है कि पानी डांस कर रहा था. द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, उसी फ्लावर्स के बाजू में जो लेक था वहाँ पर वेव्स डांस कर रही थी. बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली. लेकिन जितना अच्छा डांस डैफोडिल्स कर रहे थे उतना अच्छा डांस वो वेव्स नहीं कर रही थी. बहुत ज़्यादा खुशी से यदि कोई डांस कर रहा था तो वो थे डैफोडिल्स फ्लावर्स. अ पोएट कुड नॉट बट बी गे, अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जोकंड कंपनी. जोकंड कंपनी हैप्पी एंड चेयरफुल, जोकंड मीन्स हैप्पी एंड चेयरफुल. ये सब कुछ देखकर, यह डैफोडिल्स की कंपनी देखकर, डैफोडिल्स को नाचता हुआ देखकर, उछलता हुआ, कूदता हुआ, चमकता हुआ देखकर, पोएट अपनी खुशी को रोक नहीं पाया. गेम इज खुशी, अपने खुशी को रोक नहीं पाया. आई गेज्ड एंड गेज्ड, गेज्ड मीन्स देखना. आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटल थॉट, मैं तो बस देखता ही रहा, बस एक मेरे मन में विचार आया, एक छोटा सा थॉट आया. व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, व्हाट वेल्थ, वेल्थ यानी संपत्ति, धन दौलत. व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, मुझे यह कितना सारा धन मिल गया है. यहाँ पर धन, वेल्थ मीन्स होगी खुशी, खुशी को यहाँ पर वेल्थ बोला गया है. तो ये जो नज़ारा देखकर, नज़ारा कौन सा था, शो कौन सा था, वो जो फ्लावर्स थे वो बहुत ही खुशी से इधर उधर नाच रहे थे और बहुत सारे थे, जस्ट लाइक स्टार्स. तो यह जो नज़ारा था, इस नज़ारे ने मुझे बहुत ज़्यादा खुशी दी, मुझे बहुत सारी धन संपत्ति दी, यानी मन से खुशी दी मुझे. नेक्स्ट आंजा, फॉर ऑफ्ट, OFT ऑफ्ट मीन्स ऑफन, अक्सर बोला जाता है इसे, ऑफन OFTEN, इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऑफन OFT. फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माय काउच आई लाय, काउच मीन्स सोफा, लाय यानी सोना. जब मैं अपने सोना मीन्स यार एक अब बैठे भी है, पैर फैला के एकदम आराम से, उसे यानी उसे बोला जा सकता है लाय. When on my couch I lie, जब मैं अपने सोफे में आराम करता रहता हूँ. In vacant or in pensive mood, pensive mood means thoughtful, सोचने का mood. जब मैं अपने सोफा में आराम से बैठे रहता हूँ, आराम से बैठना यानी उनको कोई, जिस समय काम नहीं होता वो पूरी तरह से खाली होते, vacant, और
या फिर उनका जो मूड होता है किसी टॉपिक के बारे में सोचने का, तब दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, जब वह आराम से अपने सोफे में बैठे होते हैं, कुछ सोचते रहते हैं, जब उनका काफ़ी समय होता है और उनका जो माइंड होता है वो सोचने की स्थिति में होता है, पेंसिव मूड में होते हैं, वो थॉटफुल मूड में होते हैं, उस समय दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, तो उनके सामने में वह नज़ारा, दैट मीन्स डैफोडिल्स का जो नज़ारा उन्होंने देखा था एक गार्डन में, वह उन्हें दिखाई देता है बैठे बैठे उस सोफा में, वो उसी के बारे में सोचते हो, फ्लैशबैक में चले जाते हैं। इनवर्ड आई मीन्स इमेजिनेशन, वो अपने फिर से जो उन्होंने सचमुच जो सीन देखा था, जो खूबसूरती देखी थी डैफोडिल फ्लावर्स के, उसमें खो जाते हैं, उसके बारे में फिर से उनके इमेजिनेशन में चले जाते हैं, सोचते रहते हैं। विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, ब्लिस मीन्स एक्सट्रीम हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा खुशी, सॉलिट्यूड मीन्स लोनलीनेस, अकेलापन। विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, और जब इन डैफोडिल्स फ्लावर्स के बारे में वो सोचते रहते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अंदर से खुश हो जाते हैं, अपने आप को सबसे अलग महसूस करते हैं। एंड देयर माय हार्ट विथ प्लेजर फील्स, और मैं और मेरा जो दिल है वो खुशी से भर जाता है, मुझे बहुत ज़्यादा अत्यंत खुशी होती है। एंड डांस विथ द डैफोडिल्स, और मेरा हार्ट उसी डैफोडिल्स के साथ में डांस करने लग जाता है। जब इनके पास खाली समय होता है तो हमेशा यह फ्लैशबैक में चले जाते हैं, जब उन्होंने डैफोडिल्स फ्लावर देखे थे और उन्हीं और वो उसको सोचते हुए बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और उसी के तरह उनका इनका दिल भी अंदर से नाचना शुरू करता कर देता है, दैट मीन बहुत ही एक अंदर से खुश हो जाते हैं। इन दिस वे वी हैड कंप्लीटेड दिस पोएम डैफोडिल्स। Thank you and have a nice day.